जिस तालिबान को पाकिस्तान ने मदद की है, आज वही तालिबान पाकिस्तान फौज पर हमले कर रहा है। तालिबान के हमले से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान परेशान हैं। इमरान के इस कबूलनामे के बाद मुश्किलों में फंस सकते हैं। खुद इमरान और उनके मंत्री यूएन समेत तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कहते रहे हैं कि टीटीपी ने पाकिस्तान में 80,000 लोगों और सैनिकों को कत्ल किया है। अब विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि इस दहशतगर्दों के साथ बातचीत और माफी का ऑफर किस आधार पर दिया जा रहा है। इमरान खान ने एक सवाल के जवाब में कहा कि हम टीटीपी में कई संगठनों से बातचीत कर रहे हैं। ये बातचीत अफगानिस्तान में हो रही है, अमन बहाली की कोशिश हो रही है, हम उन्हें माफी दे सकते हैं। इमरान के इस बयान और खुलासे के बाद दुनिया चौंक गई है। इमरान ने अपने बयान में कहा, हाँ हम उनको माफी देने के लिए तैयार हैं और वो आम लोगों की तरह जिंदगी गुजार सकेंगे। एक और सवाल में कहा कि अगर आपकी सरकार और टीटीपी के बीच बातचीत चल रही है तो फिर ये आतंकी संगठन पाकिस्तानी फौज पर लगातार हमले क्यों कर रहा है। जवाब में पाक प्रधानमंत्री बोले, अभी बातचीत चल रही है, समझौता नहीं हुआ है। इमरान से पूछा गया कि क्या अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत भी बातचीत में आपकी मदद कर रही है। जवाब में खान ने कहा, जाहिर है बातचीत ही अफगानिस्तान में चल रही है। मैं साफ कर देना चाहता हूँ कि इस मसले का हल मिलिट्री एक्शन से नहीं निकल सकता, बातचीत तो होनी ही चाहिए। कुछ दिन पहले विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी और राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने यही बात कही थी। इमरान के बयान के बाद पाकिस्तान में लोगों का गुस्सा भड़क रहा है। अब देखना होगा कि पाकिस्तान की आवाम के दबाव आके इमरान सरकार क्या फैसला लेती है। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल TV9 भारतवर्ष डिजिटल। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, दो गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।